गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ द नेशनल म्यूजियम। तो गाइज यहाँ पर मुझे बहुत टाइम से जाना था पर टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जाऊँ और आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊँ। इस म्यूजियम पूरे एक घंटे का रास्ता है, तो ये रास्ता मेरे साथ मिलके तय कीजिए गाइज, बिकॉज़ आई वुड बी बोर्ड। स्टेशन पहुँच चुकी हूँ मैं, अभी मैं मैरीलैंड में हूँ, मुझे जाना है व्हाइट चैपल। गाइज मेरी ट्रेन आ चुकी है, चलो चलते हैं। अब मैं आ चुकी हूँ व्हाइट चैपल, यहाँ से मुझे डिस्ट्रिक्ट लाइन लेनी है और फिर वो ट्रेन मुझे सीधी मेरी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगी। पहुँच चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, अब मैं अपनी दोस्त की वेट कर रही हूँ। इस रास्ता यहाँ से है तो चलते हैं। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ, मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बारिश ही बारिश हो रही है इस साइड, मेरे साइड बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। अब अच्छी बात यह है कि मैं म्यूज़ियम के अंदर हूँ, बाहर नहीं हूँ। तभी फ़िलहाल मैं अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो हमेशा ही लेट आती है मैडम, पाँच दस मिनट उसको लेट होना ही होता है। सो ना आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर। मैडम मेरी कब से यहाँ वेट कर रही है और मैं कहीं और ही वेट कर रही थी। फाइनली हम दोनों मिल चुके हैं, तो हम फटाफट अपनी अपनी कॉफीज लेंगे एंड वी गोना बिगिन आवर डे। फाइनली हम द नेचुरल हिस्ट्री पहुँच चुके हैं, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर नाउ गाइस। तो इस बड़ा सा डायनासोर को देख के पता लग ही गया होगा कि हम कौन सी म्यूजियम जा रहे हैं। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है म्यूजियम में, तो हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि बारिश होगी, पर अभी तक हम क्यू में ही हैं, 20 मिनट्स हमें हो चुके हैं और बारिश में हम भीग नहीं रहे, पर बारिश हो रही है। थैंक गॉड के मौज अपना अम्ब्रेला ले आई है, सो थैंक्स टू हर सो मच। मुझे सोच रहे थे तो गाइस ये सोच रही है कुछ बोलने के लिए, क्या बोलूं मैं कुछ भी। सो इट्स गोना बी फन वंस वी गो इनसाइड, हां सो वी विल सी, वी विल एक्सप्लोर। अच्छा, एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम आफ्टर, आई थिंक शी वाज इन विच स्टैंडर्ड। जब मैं बेबी थी ईयर 4-5 में तब मैं गई थी, उसके बाद से कभी नहीं गई। तो ये मैडम मुझे लेके जा रही है। यस, फाइनली लाइन ख़त्म हो गई, अब हम जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर। पर गाइस ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, पर अच्छी लग रही है आज बारिश, है ना मॉस? इट्स फन गाइस, दिस इज द, तो गाइस दिस इज द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अब चलते हैं एक्सप्लोर करने। तो गाइस यहाँ बहुत हल्ला है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो यस, तो गाइस ये एक डायनासोर का म्यूजियम है जो पहले के ज़माने में होते थे, पर ये ड्राफ्ट तो अब भी है। सो आप देख सकते हो इनकी कितनी हड्डियाँ है। गाइस ये सबसे फास्टेस्ट फिश है, मेरिलिन इसका नाम है, तो ये सी की सबसे फास्टेस्ट फिश है। गाइस मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, समर का रेनिंग है, तो गाइस हम बारिश की बातें कर रहे हैं अभी भी। गाइस अभी हम देखने जा रहे हैं डायनासोर्स, ये सारे असली के डायनासोर है। तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ रही थी कि इनकी आत्मा घूमती है या नहीं घूमती, तो उसके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, हाँ हाँ, तूने कहा था चींटियों की भी घूमती है। हाँ, तो चींटी थोड़ी ना कुछ करेगी, डायनासोर तो बहुत बड़े गाइस। चलो और ढूंढते हैं कहाँ पर है और डायनासोर्स गाइस। किसी की आत्मा परेशान करे ना करे, मेरी करेगी तुम सबको। गाइस मुझे असली का डायनासोर मिल गया है जो सबको डराने की कोशिश कर रहा है पर कोई डर नहीं रहा। हेलो, वो मुझे ही देख रहा है गाइस, ये कितना बड़ा है, वो मेरी बात मान रहा है, मैं कह रही हूँ कि मत चला। इतना प्यारा बना रखा है लाइटिंग वगैरह के साथ, और ये असली में आवाज़ें निकाल रहा है। लाइट के अलग की वजह से आप देख नहीं पा रहे, पर अब दिख रहा है साफ साफ। अब हम इसे बोलेंगे बाय-बाय। तो गाइस ये सारी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो ऑफकोर्स मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी ये सब पढ़ने के लिए, तो हर एक चीज़ की हिस्ट्री है, कहानी है। गाइस ये है डायनासोर के अंडे और बेबीज, जैसे कि आप देख सकते हो, दे सो क्यूट, छोटे छोटे, एंड एंड में गाइस यू कैन सी देम, ये छोटे छोटे अंडे ऐसे ही बाहर आते हैं अपने शेल से। गाइस क्या मस्त डायनासोर का सिर लग रहा है, एंड कितना बड़ा, ये खाते थे ना पहले के टाइम में, आदमी को खाते थे ये। हाँ, बड़ा सा देख रहे हो, ये डायनासोर का नाखून है इतना बड़ा, ओह माय गॉड, ये उसका थंब स्पाइक है। ये है ये थंब स्पाइक,
तो गाइज़ ये देखिए कितना बड़ा सिर है एक डायनासोर का। तो ये पहले के ज़माने में ऐसे होते थे। गाइज़ मुझे एक और ऊपर वाला डायनासोर देखा है, ये कितना बड़ा है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ, मुझे आधे डायनासोर्स के नाम नहीं पता गाइज़, आई एम सो सॉरी। तो या जिनके पता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। छोटे छोटे के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखो दैट्स अ ह्यूज डायनासोर। तो इनके जितने भी हड्डी आप देख सकते हो वो सारे असली है, इन्होंने इकट्ठा किए इनको, एक एक करके जोड़ी है। डायनोनिकस एंड दे कैन टॉक बेसिकली। नहीं मैं जोक कर रही हूँ गाइस। तो ये बस हमें डरा रहे हैं। इसका नाम है ट्राइसेटॉप। इनके नाम कितने बड़े बड़े हैं गाइस, जितने ये बड़े उनके इनका नाम बड़ा है। गाइस ये कैमरासोर है, तो ऑब्वियस फिर से मैं ये बोलूँगी कि लाइक दे आर लिटरली ह्यूज एंड इनके नाम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द नेम्स गाइस। ये सारे छोटे छोटे डायनासोर्स हैं, दे लुक लिटरली बहुत डरावने लग रहे हैं, है ना, डरावने दिखते हैं। तो गाइस मॉस्को लग रहा है कि ये मूव हो रहा है, तो ये नकली होगा ना, अरे वो असली नहीं है। हाय देखो मैंने ऐसे किया, वो असली है, ये देख पूछ ला रहा है। तो गाइस ही नोज व्हाट टू डू, हाउ टू रिएक्ट। वो सो रहा है, कह रहा है मुझे सोने दो। इन्होंने ये लाइव एनिमल्स रखे हुए हैं इनमें डाल के, ताकि कि हम इनको देख सके और करीब से। इन्होंने रियल नहीं, इन्होंने डेड एनिमल्स रखे हुए हैं, बट लाइक ये सर के काले ना पड़ जाए, इनको एक केमिकल में रखा हुआ है ताकि कि ये लाइवली हमें दिखे। वैसे तो गाइस आई थिंक ये मरे हुए हैं। तो ये लाइक सबका अलग अलग नाम है, पहचान है, सीन है, और भी बहुत सारे नीचे हैं गाइस। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, वो बाहर नहीं इन्होंने रखा हुआ, ये देखिए स्नेक्स। तो आई थिंक ये भी सब मरे हुए हैं, पर लाइक वी कैन सी देम कि ये लाइव है, पर ये लाइव नहीं है गाइस। ये देखो हमने क्या ढूंढा, हमने इतना बड़ा ऑक्टोपस ढूंढा, ये भी मरा हुआ ही है गाइस, पर इनको लाइक केमिकल्स में रखा हुआ है, टू लाइक वी कैन सी देम, पास से हम इनको देख सकते हैं। और भी बहुत सारी सी वाली चीज़ें हैं, ये भी इनका छोटा सा बेबी, ये बेबी ऑक्टोपस है। सो मच मोर, इनको कैसे रखे हुए हैं यार। वैसे मैं पहली बार देख रही हूँ कि लाइक इन्होंने डेड एनिमल्स ऐसे रखे हुए हैं। सी शेल्स जो मुझे बहुत ही पसंद है, एंड दे लुक सो अडोरेबल, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये सारे सी, जो हमें सी साइड में मिलते हैं वैसे ही है ये। यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि इस जानवर को, सी जानवर को कब स्टोर किया था, 2001 में किया था। सबकी डेट्स लिखी हुई है, एंड ये सारे वर्म्स है अलग अलग कैटेगरी के, साइज़ के एंड नाम के। देखिए स्टारफिश, आपने सी साइड वगैरह में देखी होगी, ये बहुत लाइक जली टाइप होते, इतने करीब से तो कभी नहीं मैंने देखी, लाइक दूर से हमेशा देखा है मैंने। मुझे ये सबसे अच्छी लगी स्टारफिश। ये है क्रैब, अलग अलग साइज़ के अलग अलग नाम, एंड अलग अलग लाइक इनकी हिस्ट्री है। ये बहुत ख़तरनाक वाला है ये वाला। तो देखिए ये सी हॉर्स, एंड दिस सो क्यूट, छोटे छोटे से, बड़े कभी मैंने देखे नहीं, छोटे छोटे देखे। तो ये छोटी छोटी मछलियाँ है, वो देखो बड़ी वाली है, इन सबके नाम हिस्ट्री है। और ये भी एक अलग ही डिज़ाइन की मछली जो बेचारी मर चुकी है, शार्क है। तो गाइज वी थिंक कि ये शार्क हेड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ कि ये किस किस का हेड है या कौन सी मछली है, पर ये शार्क हेड लग रहा है। गाइज देखो स्मॉल स्मॉल फिशेस जो सी में तैरती रहती है और इनको शार्क खाते रहते हैं भी है गाइज। और ये छोटी सी इनकी हिस्ट्री। ये देखिए मुझे क्या मिला, एक फ्रॉग मिला, दो फ्रॉग है एक जार के अंदर। ये बेबी फ्रॉग है, ये उससे भी छोटा फ्रॉग है। ओह माय गॉड, फ्रॉग्स तो आजकल होते ही है, और ये सबसे छोटा। तो और भी है, ये यहाँ पर सारे फ्रॉग्स है अलग अलग डिज़ाइन कैटेगरी के। ये देखो बेबी फ्रॉग, न्यू बॉर्न। ये देखो टर्टल है, इनको भी नहीं छोड़ा मॉस कह रही है, इसको भी स्टोर कर दिया है। ओ देखो ये बड़ा सा, यहाँ पर सारे बर्ड्स है जिन्होंने लाइक इन्होंने स्टोर कर रखा है। ये छोटी सी इनकी
हिस्ट्री है तो लाइक कोई सा भी बर्ड की लाइक क्लियर पिक्चर या क्लियर दिख नहीं रहे ये लोग, तो बस ये है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बर्ड्स है। मुझे इस बर्ड को देख के बहुत ही लाइक सैड फीलिंग आई है बिकॉज लाइक इट्स सो स्वीट और कैसे इनको कैद करके रख दिया है, पर आई थिंक दे नीड इट फॉर देयर रिसर्च तो क्या ही कर सकते हैं। हाय बैटमैन, इतना करीब मैंने बैटमैन कभी नहीं देखा है। एंड ये क्या है, ये जिराफ है, उसका सिर है दूर से देखो तो मस्त दूर से लाइक यू कैन सी, लुक कैमरे में देखो जिराफ का सिर है। ओह माय गॉड, ये क्यों काटा इन्होंने। गाइस ये देखो रैबिट है, उनका न्यूबॉर्न बेबी है। वहाँ पर जितने भी स्टोर एनिमल्स थे वो सब लाइक उनकी लाइक वो मर गए हैं, सो दे आर डेड बेसिकली, और थोड़ा सा सैड हो गया ये सीन है ना, मस्त भी कह रही है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, और मेंटली प्रिपेयर नहीं थे हम, बस ये था कि डायनासोर देखेंगे, पर यू नेवर नो कि क्या आ जाता है रास्ते में। हम आ गए हैं फिशेज के एरिया में, तो ये देखिए कितनी बड़ी फिश, मस्त ये देख कितनी बड़ी फिश है, यहाँ से स्टार्ट होती है गाइस एंड पूरी वहाँ से ख़त्म होती है। गाइस यहाँ पर और भी एनिमल्स है, शीप है जो लाइक फॉरेस्ट में रहते हैं, मस्कोस भी है। हेलो, ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त मस्कोस है और ये मेरी दोस्त मौसम भी है। हाँ, दिस इज सपोज्ड टू बी फनी राइट? नहीं, राइम, इट्स सपोज्ड टू राइम यार। शॉर्टकट में बताती हूँ, ये सारे डीएस ये अलग अलग टाइप और ब्रांड के लाइक ब्रांड ब्रांडेड बीड है, लाइक ब्रीड अलग अलग ब्रीड है गाइस, ये कहना चाहती हूँ। ये देखिए कितना छोटू सा है, देख रहा है मुझे। इस वाइल्ड एनिमल के बारे में आपने सुना ही होगा, तो ये वाइल्ड बेल्ड है, ये हमारा बायसन है, ये बहुत बड़ा हो गया है, मतलब बहुत बड़ा है ये और बहुत बुढ़ा लग रहा है ये। एलिफेंट्स आगे हैं, आप देख सकते हो बेबी एलिफेंट एंड मम्मी बिग एलिफेंट एंड बेबी एलिफेंट्स। सो गाइस यहाँ लिखा हुआ है दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लैंड्स है, तो ये आज भी जिंदा है, हम सब जानते हैं कि ये आज भी है, सबसे अच्छी बात यही है। मैंने और मोस ने डिसाइड किया कि हम व्यू ऊपर से देखें, तो आप देख ही सकते हो कितनी बड़ी मछली है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मछली इन द सी गाइस। इस ज़ेब्रा को देख के मन बहुत ही खुश हुआ, आई रियली लाइक ज़ेब्रा, लाइक इसके प्रिंट मुझे बहुत ही पसंद है। यहाँ पर और भी बहुत सारे एनिमल्स है गाइस, डायनासोर अगेन। ये है हमारा पोलर बेयर, देखिए कितना बड़ा है एंड लाइक ये बहुत ही प्यारे लगते हैं स्नो में बेसिकली ज़्यादा। ये एरिया है बेस का, तो आज भी ऐसे वाले बेस है। मैं इंडिया गई थी एंड इंडिया में आई सो द सेम बेयर गाइस, डिटो सेम। ये देखो गाइस ये नाच रहा है, नहीं डरा रहा है। जैगुआर कुड़ी पहले कुड़ी कहते बेबी पहला जैगुआर ले लो, क्या से जो मीट खाते हैं। ये चीता है गाइस, ये लायन है का लायन का फेस, और ये टाइगर है, और लास्ट पर नॉट द लीस्ट ये जैगुआर है। ये है टूथलेस एनिमल्स जिनके दांत नहीं हैं गाइस, तो इनसे डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी, भरोसा रखना। अब हम जा रहे हैं द रिवर एक्सप्लोर करने, तो चलते हैं गाइस। वाओ, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। इस एरिया में लाइक ऐसा कुछ खास नहीं है, पर लाइक रिवर की साउंड है कि पानी कैसे साउंड करता है बेसिकली, तो यहाँ बैठ सकते हैं एंड लाइक पीस मिलेगा यहाँ पर इफ वी लाइक जस्ट हेयर द साउंड। ये सारे आर्ट से बहुत ही प्यारे आर्टिस्टों ने ये पिक्चर्स फ्रेम्स बनाए होंगे, किसी ने ये बहुत ही प्यारा लिखा है, यू जस्ट नीड टू क्लिक द बटन टू टेक अ पिक्चर, बट टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इट लुक गुड यू जस्ट नीड टू टेक योर टाइम, तो लाइक वक्त लगता है अच्छी पिक्चर लेने के लिए गाइस, बहुत वक्त लगता है पर एंड में हो ही जाती है अच्छी फ़ोटो। क्रीपी क्रॉलीज एंड ऑब्वियस ये इनको देख के डर लगता है जब ये पास आते हैं, तो नो डाउट
like bumble bees vagaira, crab and worm, worms. Crab ye tha. Nahi ye bhi hai. So yeah, let's go guys. Area like sare like chote chote creepy insects vagaira ka hai. Like chote chote jo janwar hote hai, ye wo area hai. And like it moves 3D. 3D नहीं बोलूँगी कि लाइक कार्टून वाला. गाइज ये है इंसेक्ट्स का घर जो यहाँ पर वो स्टे करते हैं. तो चलते हैं गाइज अंदर देखने. ये देखो चीटियों ने होल बना रखा है. तो ये इनका घर है. हर चीज़ का घर होता है. आज पहली बार मैंने चीटियों का घर देखा गाइज. जैसे कि आपको पता है कि घर के मेन हिस्से में ये सारे एनिमल्स आते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन आता है. तो सबसे पहले तो ये कॉकरोच वगैरह आते हैं. ये बिल्ली आती है. एंड ये देखिए कितने और इंसेक्ट्स वगैरह है किचन में. तो ये सारे इंसेक्ट्स किचन में आते हैं. तो इन्होंने ये चीज़ बनाई रखी है. सो नाइस एंड क्रिएटिव. म्यूजियम की जर्नी होती है ख़त्म. अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए. हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स खाने. हमने रेस्टोरेंट्स ढूँढे पर मैकडी से अच्छा कुछ भी नहीं है गाइस. सो वी आर लिटरली स्टार्विंग. तो फटाफट से ऑर्डर करते हैं अपना अपना मील. इस म्यूज़ियम देख के बहुत ही ज़्यादा हम थक गए थे. एंड हमने डिसाइड किया कि मैकडोनल्ड्स ही खा ले बिकॉज पास ही में था और कोई अच्छा रेस्टोरेंट मुझे मिला नहीं. तो अभी मैं और मोस्ट कुछ खाने आए गाइस. उसके बाद हम घर जाएंगे. फाइनली खाना आ चुका है एंड वी आर लिटरली स्टार्विंग. तो गाइस फटाफट खाना खाते हैं एंड आप लोगों को फिर अपडेट करते कि मैं जा कर. टाइम आ गया मॉस्को बाय बोलने के लिए. टाइम बहुत जल्दी निकल गया है एंड थक भी गए. खाना बहुत ही अच्छा था गाइस. सो बाय मॉस्ट एंड नेक्स्ट टाइम हम जल्दी ही मिलेंगे. तो गाइस सब बारी आ चुकी अपने प्यारे से छोटे से ब्लॉग को एंड करने की. तो अगर आपको मेरा ये प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर टू माय चैनल इफ यू नीड टू. गाइस बाय बाय.